नमस्कार, मैं जीएल शर्मा, सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का बजट है, क्या उपलब्धियां हैं परिषद की। देखिए, राजस्थान सरकार की इस समय जो खेल नीति है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन नेशन। हम आउट ऑफ टर्न लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर, स्टेट सर्विसेज पर, और बहुत अच्छे लेवल पर ग्रांट्स दी जा रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूँ कि ओलंपियंस जो हैं, जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उनको 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार, और जो स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत के आते हैं उनको 1 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये ग्रांट जो है, हम करीब 100 से 125 करोड़ रुपए अब तक ग्रांट खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। इसी प्रकार आउट ऑफ टर्न में हमने इस वर्ष, पिछले वर्ष से मिला करके अभी तक 229 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी है, जॉब दिए हैं। उनमें 6-7 जो है वो RPS बनाए हैं, सीधे DYSP, और ACF बनाए हैं करीब 6-7 लोगों को। तो ये खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सरकार सब प्रयास कर रही है सभी जगह। अभी जो बजट है वो पूरी तरह से युवाओं को और खेलों को समर्पित है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आउट ऑफ टर्न में हमने 7 विभागों में अलग अलग, मैंने बताया कि 229 लोगों को नियुक्ति दी है। ये धीरे धीरे आगे इसको और लिबरल करते हुए और दूसरे विभागों में भी हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। और अभी 100 पद बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर, जो कोचेज हैं डिफरेंट गेम्स के, उन कोचेज का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है बिल्कुल ड्यू प्रोसेस से, और 500 कोचेज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो नया जो बजट है उसमें भी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उसको भी धीरे धीरे रेगुलराइज किया जाएगा। इसी प्रकार जो ग्रामीण ओलंपिक बहुत ही शानदार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में उनका आगाज हुआ और समापन हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया, उसी तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के साथ में शहरी ओलंपिक जो गेम्स हैं वो दोनों कंबाइन करके एक साथ कराए जाएंगे। सरकार ने 150 करोड़ रुपए इसका बजट एलोकेट किया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो बच्चे अपने खेलों में करियर बनाना चाहते हैं, स्टेट फॉरवर्ड होकर आना चाहते हैं, पहले उनको डर रहता था कि हमें फिर नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा करियर सिक्योर होगा नहीं होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो बच्चे खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको कैरियर की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको नौकरी भी मिलेगी, दूसरे जॉब्स भी मिलेंगे और जगह भी उनका प्लेसमेंट होगा, और सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है। इसी प्रकार हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स स्कूल में रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है, उसकी कोचिंग की फैसिलिटी होती है, सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी उनकी जो पढ़ाई है स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक वो फ्री में कराई जाती है। कहीं दूसरी जगह एडमिशन होता है तो फी को पूरा का पूरा जो फी है वो उसकी रीएम्बर्स हो जाती है। हमारे यहाँ भी हॉस्टल है स्पोर्ट्स काउंसिल में, स्टेडियम में, उन बच्चों को बाकायदा जो उनकी स्कूलिंग की एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन, उसमें कोई हर्डल नहीं होता है उनको, उन पढ़ाई के साथ साथ उनके खेलों की उनको कोचिंग बाकायदा दी जाती है। इसी तरह से पहले मेजर ध्यानचंद स्कीम थी स्टेडियम की, हर ब्लॉक में 352 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की एक पॉलिसी थी। उसमें 25 लाख रुपए मैक्सिमम ग्रांट थी, जिसमें 25 लाख रुपए CSR या MP MLA लेट से आता था या जन सहयोग से आता था, 25 लाख रुपए गवर्नमेंट मैच करती थी। अब उसको, उस रेंज को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो मुझे लगता है 1 करोड़ जन सहयोग से आएगा या MP MLA लेट से आएगा या CSR से आएगा, और 1 करोड़ सरकार मैच करती है। तो 2 करोड़ में मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का एक स्टेडियम बनेगा जो हर ब्लॉक पर अवेलेबल होगा। और ब्लॉक पर अवेलेबल होने का मायने ये है कि गांव गांव से जो प्रतिभाएं हैं खेलों की वो निश्चित तौर पर आएंगी, उनको तरासा जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है जब हम कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, ओलंपिक में मेडलों की बौछार होगी और राजस्थान उसमें अग्रणी होगा। कि जो बच्चे कोचिंग की फीस को वहन नहीं कर सकते, जो बच्चे महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, उन सबके लिए एक पहल इंडिया और भी कई सामाजिक सरोकार के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आर्थिक अभाव के कारण अपने कैरियर में कहीं ना कहीं कहीं रुके नहीं, कहीं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और उसके लिए एक पहले एक टीम है जो बहुत सारे ऑफिसर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, IAS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर, RPS ऑफिसर्स, जो अपने छुट्टी के समय में या अपनी नौकरी के पहले और बाद में समय में वो क्लासेज लेंगे, क्लासेज रिकॉर्ड करेंगे, और सर्वर के माध्यम से जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेज बाकायदा टेलीकास्ट की जाएगी और लाइव क्लासेज भी होगी।
सो देट जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल घर बैठ के कॉलेज में, स्कूल में, अपने घर पर भी उनको बाकायदा एक्सेस मिलेगा और वो अपनी तैयारी पूरी कर पाए। इसी तरह से जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते, तो एक किताब यात्रा एक पहल इंडिया की निकाली जा रही है, जो हर एक व्यक्ति से, हर एक संस्था से एक किताब मिनिमम डोनेट करवाएंगे। वो लोग कहेंगे हाथ जोड़ करके कि हमें आप किताब दीजिए। जो बच्चे नीडी हैं सरकारी स्कूलों में या कॉलेजेस में, वहाँ बाकायदे एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और उन बच्चों को जो जो किताबों की उनको ज़रूरत है वो किताबें उनको मुहैया कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक मिशन है। इसके साथ साथ दो चीज़ें और इसमें शामिल हैं। एक प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पौधारोपण के लिए लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा इसके साथ साथ, और दूसरा उनको ये इस तरह से एनवायरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा। किसी तरह से पॉलीथीन अभी बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, आप पर्यावरण का पूरी तरह ध्यान रखें और जल का संरक्षण करें, बिजली बचाएं, ये सब काम करें। इसके साथ साथ जो बच्चे जिस तरह से उनको कोई भी आवश्यकता है, कोई नीड है, वो भी फुलफिलमेंट करने का काम एक पहल इंडिया कर रही है। तो मैं एक पहल इंडिया को बहुत साधुवाद देता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं कहीं इनके साथ में मिलकर के कुछ कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू जनता दरबार चैनल कि आप माध्यम बने हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे, खासतौर से जो बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं उन तक।